नमस्कार, अजय भारत में आपका स्वागत है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं और साथ ही अपने अपने राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। राजनीति के बिचात में कौन बाजी मारता है और कौन हारता है, यह तो परिणाम बतलाएंगे, परंतु सरगर्मियां तेज हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में जहां भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं दूसरी ओर एक और उम्मीदवार की घोषणा की और जिनका नाम है प्रोफेसर सुमेर सिंह। प्रोफेसर सुमेर सिंह बड़वाणी में भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं और इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इस अवसर पर हमारे जो बड़वाणी के संवाददाता हैं रंकेश वैष्णव, उन्होंने सुमेर सिंह से चर्चा की। सुनते हैं क्या कहना इस अवसर पर प्रोफेसर सुमेर सिंह का। भैया, आज राज्यसभा के लिए उम्मीदवार चुने गए, क्या कहना चाहेंगे? अभी सूचना मिली है, पार्टी ने मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राज्यसभा क्षेत्र के लिए भारत माता की सेवा के लिए मौका दिया है, राष्ट्र सेवा का मौका दिया है। और मैं राष्ट्र सेवा पहले भी करना था, अभी भी तन मन और समर्पण के साथ करूँगा, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। और आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे तो मैं मातृभूमि की, भारत माता की सेवा कर पाऊँगा। इस टिकट के लिए जो आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं मेरे पूरे संगठन को धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी आप वर्तमान में कॉलेज में प्रोफेसर हैं, अब आपकी आप क्या किस स्थिति में आप भोपाल जा रहे हैं, क्या करके जा रहे हैं? ऐसे मैं रिजाइन करके जा रहा हूँ यहाँ से। कब भरेंगे आप नामांकन, कोई सूचना आई है क्या ऊपर से? अभी वो सूचना नहीं आई, पर संभवतः कल